बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। भक्त जनों, प्रभु श्री राम जो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारी हैं, जिन्होंने मां धरती को रावण के आतंक से मुक्त कराने हेतु अयोध्या के महाराजा दशरथ के यहाँ बाल रूप में जन्म लिया और ऐसी लीला दिखाई कि हम आज भी इस घनघोर कलयुग में भी शारदीय नवरात्रों में उनकी लीलाओं का मंचन करते हैं और उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह देवी सीता के संग उनका विवाह हुआ, किस तरह पिता के वचन मानने हेतु वो वनों को गए और किस तरह पापी रावण का अंत कर सृष्टि में राम राज्य स्थापित किया, आइए आज मैं आपको पवित्र राम कथा संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। एक बार फिर बोलिए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। राम की कथा बड़ी है महान, 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 राम की कथा बड़ी है महान। राम कथा सुनने से भक्तों, राम कथा सुनने से भक्तों हो जाता कल्याण। कथा बड़ी है महान, राम की कथा बड़ी है महान। यह पावन राम कथा त्रेता युग की है। पापी रावण के अत्याचारों से त्रस्त मां धरती ने कपिला गाय का रूप धरा और देवी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु की शरण में आ गई। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन सबको आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही अयोध्या के महाराजा दशरथ के यहाँ बाल रूप में अवतार लेंगे और इस धरती का भार हरेंगे। समय का चक्र घूमा भक्तों, महाराजा दशरथ जिनकी तीन रानियां थीं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उन्होंने चार पुत्रों को जन्म दिया, राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। श्री हरि विष्णु ने कौशल्या माँ के गर्भ से प्रभु राम के रूप में जन्म लिया। विधि विधान अनुसार चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पूर्ण हुई और एक दिन मुनि विश्वामित्र राम व लक्ष्मण को वनों में अपने यज्ञों की रक्षा हेतु ले गए, जहां उन्होंने ताड़िका और सुबाहु जैसे असुरों का अंत किया और वहीं अपनी लीला अनुसार अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला नरेश महाराजा जनक के यहां उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंच गए। राम ने धनुष को तोड़ा, सिया संग नाता जोड़ा, अयोध्या वापस आए, पिता माता हर्षाए। राजा दशरथ ने सोचा, राम को राजा बनाऊं, कल ही पुत्र का पुने मैं राज तिलक करवाऊं, कल ही पुत्र का पुने मैं राज तिलक करवाऊं,
राजा दशरथ नहीं जानते क्या है विधि का विधान। कथा बड़ी है महान, राम की कथा बड़ी है महान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ज्यों ही अयोध्या नगरी में यह समाचार फैला कि भगवान श्री राम अब अयोध्या के राजा होंगे, चहुं ओर प्रसन्नता छा गई। परंतु श्री रामचंद्र जी जिस हेतु अवतार लेकर इस धरा पर आए थे, अब वो लीला प्रारंभ हो गई थी। कुटिल मंथरा ने रानी कैकई के कान भर दिए और कैकई ने दशरथ से अपने दो धरोहर में रखे हुए वरदान मांग लिए। एक से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूजे से राम लक्ष्मण व सीता को 14 वर्ष का वनवास। माता पिता बंधु भ्राता पूरी अयोध्या नगरी को रोता बिलखता छोड़ प्रभु पिता के वचनों की लाज निभाने हेतु वनों को चले गए। केवट द्वारा गंगा नदी पार कर अनेकानेक ऋषि मुनियों से मिलते हुए वे तीनों चित्रकूट पहुंच गए। और इधर जब भरत को सारा सत्य ज्ञात हुआ तो वो ग्लानि से भरे भारी सेना लेकर गुरुओं माताओं इत्यादि को लेकर प्रभु श्री राम को वापस लाने चित्रकूट आ गए। भरत ने राम को देखा नयन आंसू भर आए, दौड़ के प्रभु चरणों में भरत जी फिर गिर जाए। दौड़ के प्रभु चरणों में भरत जी फिर गिर जाए। प्रभु वापस आ जाओ राम से गुहार लगाए, पिता के वचनों की फिर राम जी याद दिलाए। पिता के वचनों की फिर राम जी याद दिलाए। चरण पादुका शीश पे धर के, चरण पादुका शीश पे धर के वापस आए धाम। राम की कथा बड़ी है महान, राम की कथा बड़ी है महान। चित्रकूट से आगे वो तीनों पंचवटी नामक स्थान पर आ गए भक्तों, जहां वनवास का बचा हुआ समय बिताने की वे तीनों सोचते हैं। इधर पापी रावण की बहन राक्षसी शूर्पनखा सुंदर रूप बनाकर राम लक्ष्मण को रिझाने का प्रयत्न करती है और इस प्रयास में लक्ष्मण के हाथों अपने नाक और कान कटवा लेती है। राम जी के हाथों उसके चचेरे भाई खर और दूषण भी मारे जाते हैं। शूर्पनखा सारा वृतांत रावण को सुनाती है। पापी रावण अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर छल से सीता का अपहरण कर लेता है। मार्ग में भक्त जटायु से उनका युद्ध होता है और रावण के हाथों जटायु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पुष्पक विमान से सीता लंका की ओर जाते हुए कुछ वानरों को देखकर अपने आभूषण उनके पास फेंक देती है। इधर प्रभु राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत के पास आ जाते हैं, जहां पर वानर राज सुग्रीव से वो मैत्री करते हैं और उसके भाई
बाली का वध कर उसे राज्य वापस दिलवाते हैं। अब सुग्रीव की सेना चारों दिशाओं में माँ सीता को खोजने चली जाती है। श्री हनुमान जी जामवंत और अंगद दक्षिण दिशा में सागर के किनारे आ गए हैं। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। जामवंत वचन सुनाए हनुमत के मन भाए, लांग के जलधि वाला देखो लंका में आए। लांग के जलधि वाला देखो लंका में आए। सारा फिर बाग उजाड़ा और अक्षय को मारा, सारी फिर लंका जलाई सिया की सुध भी पाई। सारी फिर लंका जलाई सिया की सुध भी पाई। सिया सुधीला कर हनुमत ने, सिया सुधीला कर हनुमत ने प्रभु के बनाए काम। राम की कथा बड़ी है महान, राम की कथा बड़ी है महान। जय श्री राम 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 जय श्री राम। सागर पर सेतु बांधकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना लंका नगरी आ गई है। भक्तों, लक्ष्मण और मेघनाथ की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हैं। मेघनाथ ने लक्ष्मण के मर्म स्थल पर ऐसी अमोघ शक्ति मारी कि उनके प्राण संकट में आ गए। भक्तों, हनुमान जी लंका से वैद्य सुषेण को ले आए। उन्होंने बताया यदि सुबह होने से पहले संजीवन बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। ये कार्य भी श्री हनुमान जी ने किया। वो बूटी वाला पर्वत ही उठा लाए। वैद्यराज ने बूटी बनाई, लक्ष्मण जी को पिलाई तो लक्ष्मण जी भैया भैया कहकर खड़े हो गए। अगले दिन युद्ध में फिर से मेघनाथ और लक्ष्मण आमने सामने थे, परंतु इस बार लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ मारा जाता है। अगले दिन रावण का भाई कुंभकर्ण भी प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त करता है। अब रावण अहिरावण के हाथों श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का अपहरण करवाता है, परंतु हनुमान जी द्वारा उसका वध किया जाता है। राम और रावण अब एक दूसरे के समक्ष हैं। भक्तों, रावण ने छल से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया है और संकट मोचन हनुमान जी ने गरुड़ जी को लाकर उनका संकट फिर से दूर किया है। प्रभु राम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और उन्हें भाई भरत के समान बताया। लखन के प्राण बचाए हनुमत बूटी लाए, अही रावण को मारे जाके पाताल सिधाए। अही रावण को मारे जाके पाताल सिधाए। गरुड़ जी को वो लाए नाग का पाश कटाए, मेरे हनुमत बाला ने राम के काज बनाए। राम प्रभु बोले तू भाई भरत के तुल्य समान। राम की कथा बड़ी है महान, राम की कथा बड़ी है महान। राम की कथा बड़ी है महान, राम की कथा बड़ी है महान।
दिनों तक श्री राम और रावण का युद्ध चला भक्तों। प्रभु एक से एक अमोघ शक्तियां रावण को मार रहे थे, उसका शीश बार बार काटते, परंतु हर बार रावण का नया शीश उग जाता। ऐसे में रावण का भाई विभीषण प्रभु राम को ये बताता है कि हे प्रभु, रावण की नाभि में अग्नि बाण मारिए और वहां पर स्थित अमृत सुखाकर इस पापी का अंत कीजिए। प्रभु श्री राम ने अग्नि बाण मारकर रावण का अंत किया। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने रावण से जाकर अंतिम उपदेश ग्रहण किए। तीनों लोकों में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही थी। लक्ष्मण जी ने विधि विधान से विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। माँ जानकी 16 श्रृंगार में प्रभु के पास लाई गई। प्रभु, माँ जानकी, भाई लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान जी, जामवंत जी और अनेकानेक योद्धाओं सहित पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आ गए हैं और हनुमान जी तो पहले से ही पवन वेग से उड़कर अयोध्या पहुंच चुके हैं और भाई भरत को प्रभु के आने का संदेश दे चुके हैं। ज्यों ही संदेशा पाए भरत जी बहु हर्षाए, माताओं के तो खुशी से देखो नैना भर आए। माताओं के तो खुशी से देखो नैना भर आए। अयोध्या वासी नाचे झूम कर खुशी मनाए, काली अंधियारी रात में वो घी के दीप जलाए। काली अंधियारी रात में वो घी के दीप जलाए। भरत की अखियां तरस रही है, भरत की अखियां तरस रही है, कब आएंगे राम। कथा बड़ी है महान, राम की कथा बड़ी है महान। शुभ घड़ी आ ही गई भक्तों, जब पुष्पक विमान अयोध्या की पावन धरती पर उतरा। राम, सीता व लक्ष्मण दौड़कर आए और माताओं और गुरुओं के चरणों में नतमस्तक हो गए। भरत व शत्रुघ्न के नयनों से तो अविरल अश्रु धारा बह रही है। भरत जी के आह्वान पर गुरुओं ने प्रभु राम के राज तिलक की तैयारियां कर ली हैं। पूरे 16 श्रृंगार कर प्रभु राम और सीता जी राज सिंहासन पर बैठे हैं। गुरुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का राज तिलक करवाया है। लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न प्रभु को चवर ढुरा रहे हैं। हनुमान जी प्रभु के चरणों में बैठ चरणों की सेवा कर रहे हैं। चहुओर हर्ष उल्लास बिखरा हुआ है। अयोध्या की शोभा स्वर्गों से न्यारी लग रही है। देवी देवता नभ से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। माताएं एक एक कर प्रभु की आरती उतार रही हैं। ऐसा विहंगम दृश्य न तो आज से पहले किसी ने देखा और न सुना है। तो एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। अयोध्या की शोभा तो लगे स्वर्गों से न्यारी, झूम रही खुशियों में तो आज ये अयोध्या सारी। झूम रही खुशियों में तो आज ये अयोध्या भाई। देखो चंवर ढुराए, माताएं आरती गाएं और
हनुमत को देखो, वो चंदन तिलक लगाए और